Assalamualaikum, welcome to Student Tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉग. तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. तो चलें स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसमें वैल्यू है 673.3 अपॉन क्यूब रूट है और उसमें वैल्यू है 58.4. Let x is equal to 673.3 upon cube root under cube root में है 58.4. Taking log on both sides. ठीक है, तो ये हो जाएगा log of x is equal to log of 673.3 upon cube root 58.4. अब इसे log दे देंगे तो ये हो जाएगा log of 673.3, square root का आ जाएगा 1/2 minus log of 58.4 और ऊपर value आ जाएगी 1/3 क्योंकि बाहर है cube root. मजीद solve करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log 673.3 minus 1/3 log 58.4. नेक्स्ट पेज पे इन दोनों का लॉग लेते हैं. तो यहाँ पर है 1/2 लॉग लेंगे 673.3 का. 673.3 लॉग 2.8282. तो 2.8282 देन था माइनस 1/3, फिर वैल्यू है 58.4, उसका लॉग लेंगे 58.4 लॉग 1.7664. 1.7664 ठीक है. अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा और देन 2 से ये वैल्यू होगी डिवाइड, तो क्या हो जाएगी ये 2.8282 डिवाइड बाय 2, 1.4141. तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1.4141 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी ये 1 से पहले मल्टीप्लाई होगी और देन 3 से होगी डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आता है 1.7664. एक मिनट, 2 6 एंड 6 एंड देन 4 डिवाइड बाय 3, तो 0.5 फिर 888, 0.5 और 888, इसे माइनस करेंगे 1.4141 माइनस 0.5, 1238 हो गए, तो 0.8253, 0.8253. अब लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है एक्स, क्योंकि हमने एक्स के इक्वल लिया था और फिर दोनों तरफ लॉग लिया था, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8253. एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8253. तो 82 को पहले हम देखेंगे 5 में, तो वैल्यू है 6683, देन 3 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो वैल्यू है 5, प्लस कर देंगे 5 और 3 8, 8 6 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 6688. पॉइंट है यहाँ पर, मतलब के ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक है, तो मतलब मजीद मूव नहीं हो गया, तो 6.688 इज़ आंसर. अगला सवाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है 17.92 और ऊपर पावर है 1/9. लेट एक्स इज इक्वल टू 17.92 ऊपर 1/9, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स.
तो ये हो गया log of x is equal to log of 17.92 1 upon 9. तो यहाँ पर 1 upon 9 पहले आ गया 17.92 और दरमियान में log, ठीक है, log लेंगे इसका तो 17.92, ठीक है, log लिया तो आया 1.2533, 1 अपॉन 9 है, 1.2533 log आया था. अब यहाँ पर ये 1 से पहले मल्टीप्लाई और 9 से होगा डिवाइड, तो 1.2533 को 9 से डिवाइड करेंगे, 1.2533 डिवाइड होगा 9 से, तो हो गया 0.1392, 0.1392, ठीक है. आगे सॉल्व करते हैं. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ओके, एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, वैल्यू क्या ये 0.1392. एंटी लॉग, लॉग से कैंसिल, जिस तरह प्लस माइनस से होता है, तो क्या रह गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1392. अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो टेबल ले लें एंटी लॉग का और 13 को पहले 9 में देखें, तो 13 को जब हम 9 में देखेंगे तो वैल्यू है 1377. रफ वर्क में करें ये साइड में और फिर 2 के मेन डिफरेंस में देखेंगे तो वैल्यू है 1, प्लस कर देंगे 7 और 1 8 731, तो x इज इक्वल टू 1378. पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो आ गया हमारा आंसर. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व किया. उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.